राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है, सरकार के संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी को चाहिए जब तक जांच हो रहा है इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। सरकार के सह पे ये सारे कांड होते रहते हैं, इसलिए बंगाल अब दरिंदों की सरकार हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर काफ़ी हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लगातार बांग्लादेश के सलाहकार मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं से माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन उन अभी तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं रहा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के स्थिति से भारत के सनातनियों को भी सबक लेनी चाहिए। वक्फ पर हंगामा क्यों गिरा सिंह जी? वक्फ बोर्ड पे हंगामा कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड में घपलेबाजी करते हैं। वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों को हक नहीं मिलता, महिलाओं को हक नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ वक्फ बोर्ड की जमीन को गरीब मुसलमानों में बांट देनी चाहिए। और तो और, जो हिंदू पाकिस्तान से आए हैं, जिनकी जमीन पाकिस्तान में ले ली गई, छीन ली गई, उन हिंदुओं के बीच वक्फ बोर्ड की जमीन और गरीब मुसलमान जो भारत में हैं उनके बीच बांट देनी चाहिए। भगदड़ मची, 8 लोग की मौत हो गई। हाँ, ये तो जहानाबाद में जो घटना घटी है, क्या कहेंगे? जहानाबाद में जो घटना घटी है ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। मैं शिव भक्तों से कहूँगा कि महादेव की भक्ति तो करें, लेकिन संभल के करें। जो घटना हुई वो आपाधापी में ज्यादा हुई है, जैसा कि लोगों ने बताया। मैं शिव भक्तों से कहूँगा कि सावन में ही नहीं, जब भी महादेव का आप जल अभिषेक करने जाएं, तो थोड़ी शांति भी रखें, थोड़ा सब्र भी रख के जाए।